as you have mentioned in your LinkedIn profile and everywhere that you get funded within 30 days. Mm. So I just need to clarify that as you claim, so what is the claim about? Like it is about the amount what we are asking at the equity dilution what we are offering. So there are a number of certain of questions that so basically meri query is baat pe zyada hai ki jaise maan lijiye for example hum 3 crore ki funding expect kar rahe hain at x number of x percentage of equity. So us funding mein ek to kitne log involved ho sakte hain on the higher side on the lower side, theek hai, aur kya surety rehti hai agar hum jaise aapki jo bhi services hain wo services agar hum lete hain jaisa jo mujhe aapke community manager se meri baat hui thi तो उन्होंने कुछ मुझे सर्टेन फीस बताई थी फॉर पिच डेक एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन. सो तो उसमें क्या श्योरिटी रहती है कि वो फीस पे करने के बाद फंडिंग मिल ही जाएगी? मिल जाएगी तो जो अमाउंट मांग रहे हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, उतनी इक्विटी पे मिलेगा नहीं मिलेगा, और कहीं ऐसा नहीं हो कि अमाउंट तो मिल जाए बट उसमें इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो, और जो वैल्यूएशन आप देते हैं वो वैल्यूएशन केवल आप ही के नेटवर्क पे काम करती है या बाहर भी हम देते हैं तो उसकी उतनी ही वर्थ रहती है लाइक अ सर्टिफाइड वैल्यूअर? राइट, ठीक है, दीज आर माय क्वेश्चंस बेसिकली. मुझे आपकी बात से ना, आप हिंदी में बात करें तो मुझे याद आ गई, एक प्रॉपर्टी डीलर से मैंने पूछा था, मैंने कहा पता नहीं शायद पानी आता है नहीं आता ऐसे पूछा, तो बहुत पुरानी बात है, तो बोला सर मुंह मांगी तो मौत नहीं मिलती आपको, मुंह मांगे दाम कहां से मिल जाएंगे, और ये सच्चाई है. सो ना तो ये वैल्यूएशन आपको सरकारी, मैंने अभी भी बताया था, गवर्नमेंट पर्पस में बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है, और दिस इज बिकॉज समथिंग विच इज अनरेगुलेटेड, उसमें सिर्फ रेपुटेशन बेस पे ही होता है. तो जो इन्वेस्टर्स इस बात को समझते हैं वो रेपुटेशन के हिसाब से वो मान लेते हैं, ठीक है, बट जो इन्वेस्टर नहीं समझते हैं वो नहीं समझेंगे, उनको हमें समझाना पड़ेगा, दैट इज आवर ड्यूटी. वो हम समझा देते हैं कि वैल्यूएशंस कैसे हमने निकाली है, उसका फॉर्मूला हम उनके साथ शेयर. एक तो ये हो गई बात. दूसरी, अब आपने पूछा कि ये क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पे फंडिंग हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें हमारे कोई मार्जिन नहीं होते, हमारे 5-7% जो भी नॉमिनल मार्जिन होते हैं उससे हम फंडिंग की कोई अश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं दे सकते. प्लस सेबी के रूल्स के हिसाब से, प्लस SEC जो US में है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के रूल्स के हिसाब से, कोई भी पूरी दुनिया में फंडिंग गारंटी नहीं कर सकता. दिस इज अ कंटिंजेंसी, और हम भी आपको बिल्कुल गारंटी नहीं करते, एंड वी नेवर इवन आस्क एनी ऑफ आवर टीम टू इवन डिस्कस अबाउट गारंटीज ऑफ फंडिंग एंड ऑल, राइट. डॉक्यूमेंट इज सेपरेट फ्रॉम फंडिंग. तो डॉक्यूमेंट बनाने से फंडिंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं. ये ऐसा है जैसे आपने लोन का फॉर्म भर दिया तो लोन की गारंटी नहीं है, राइट, कोई गारंटी नहीं है. आपने जैसे अप्लाई कर दिया किसी कॉलेज के लिए तो कोई गारंटी नहीं है कि एडमिशन हो जाएगा, राइट. कॉलेज ने एडमिशन फीस ले ली आपसे एप्लीकेशन पे, बोला आप ₹1000 दो एप्लीकेशन फीस, कोई गारंटी नहीं है कि उससे एडमिशन हो जाएगा. सिमिलरली अवर फीस इज लीगल फीस दैट वी चार्ज, ₹1000 हम चार्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लॉयर को पैसे जाते हैं उनके लिए, बस वही ₹1000 लेते हैं, और उससे दो काम होते हैं, एक तो फिल्ट्रेशन हो जाता है, हर कोई ऐरा गहरा नत्थू गहरा नहीं आता, राइट, अच्छे ही लोग आते हैं जो सीरियस हैं, नहीं तो आइडिया लेके बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई हमने तो कोई पैसे नहीं लग रहे तो हमें भी दे दो. सेकंड इज डॉक्यूमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद बना के लाइए या फिर हमारे से बनवाइए, डॉक्यूमेंट तो चाहिए, और डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हम आगे भेजते. सो देयर इज अ क्राइटेरिया जो हम चेक करते हैं, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करेंगे देन वी डू नॉट, हम उसको आगे इन्वेस्टर्स को नहीं दिखाते हैं. ठीक है, अब 1 month का आपने पूछा कि 1 month में फंडिंग का अश्योरेंस कैसे होती है, दैट इज 1 month फंडिंग का मीनिंग है कि जिस दिन हम आपको शुरू करते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और हमने आपसे प्रोमो वीडियो ये सब बनवा लिया, रिसर्च रिपोर्ट हमारी तरफ से बन चुकी है, उसके 1 महीने के अंदर वी विल बी डूइंग योर डेमो डे. और जैसे आपने IPO में देखा है ना कि कोई भी जिसका भी IPO आता है कुछ ना कुछ तो फंडिंग हो ही जाती है उसकी, राइट, दैट अश्योरेंस इज लाइक दैट. अब ये नहीं हो सकता कि आपने 5 crore मांगे तो आपको हो सकता है 5 crore ना मिले, 5 lakh मिले, राइट. इन्वेस्टर्स आते हैं तो कुछ ना कुछ फंडिंग तो हो जाती है, तो उसमें ये स्टार मार्क ये है, डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ कि फंडिंग का अमाउंट वो नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं, हो सकता है पूरा हो जाए, हो सकता है नहीं हो, राइट. वी कॉल इट अ फंडिंग, भी आएंगे तो हम उसको फंडिंग मानेंगे कि हमारा वो
डेमो डे सक्सेसफुल रहा चाहे आपको 5 लाख भी आएंगे, बिकॉज इन्वेस्टर्स को हम इन्वाइट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, ये रही आपकी उसकी बात। नाउ आपकी कंपनी की जितनी भी वैल्यूएशन आएगी उससे 10% से ज्यादा आप पहले राउंड में डाइल्यूट नहीं करेंगे। दिस इज वन ऑफ द रूल्स दैट वी हैव क्रिएटेड विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द फाउंडर्स। अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन आ रही है 2 करोड़ रुपए तो आप सिर्फ 20 लाख रुपए ही लेंगे पहले राउंड में हमारे थ्रू। अगर ज्यादा आपने इक्विटी बेच दी तो हमारे इन्वेस्टर का भी नुकसान है और आपका भी नुकसान है, आपके हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, राइट? तो अगर आपकी कंपनी मान लीजिए 10 करोड़ वैल्यू हो जाती है तो और आपको 2 करोड़ की जरूरत है तो आपको फेजेस में लेना है। पहला राउंड ऑफ फंडिंग आप डिस्काउंट करके हाफ 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे 25 लाख रुपए लेंगे, फिर अगले 50 लाख लेंगे आप 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे, राइट? या 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और उसके बाद 5 करोड़ और बढ़ा देंगे और अगला 1 करोड़ रुपए आप ऐसे लेंगे, 1.25 करोड़ जो भी रह गया, तो आपको 25 लाख, 50 लाख, टोटल 75, 1.25 करोड़ और 2 करोड़ रुपए हो गए। एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी आप देखेंगे कि आपकी इक्विटी बच गई उल्टा। ये तरीका यही होता है, जो पहला सबसे ज्यादा रिस्क लेगा इन्वेस्टर उसको डिस्काउंटेड वैल्यूएशन देनी पड़ेगी ऑलमोस्ट 50%। उसके बाद नॉर्मल पे 50 लाख जो अगला उठाएंगे तब तक आप 25 लाख रुपए खर्चा कर चुके होंगे, राइट? तो 1-1.5 महीने का टाइम होता है, जब आपने पहला 25 ले लिया 1-1.5 महीने आप लोगे उसको खत्म करने में, और उसको आपने कैसे यूज किया है उसके बेसिस पे अगला 50 का ट्रांच आएगा। उस 50 के बाद आप 50 कैसे खर्च करोगे उसके बेसिस पे अगला 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ जो आप लेंगे वो आएगा। इन्वेस्टर्स वॉन्ट टू सी एज वेल एज योर वैल्यूएशन विल ओनली बी इंक्रीज। आपकी वैल्यूएशन तभी बढ़ेगी जब आप पहले 2-3 ट्रांचेस लेके उसको यूज कर लोगे, राइट? जो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास फंडिंग आ गई है शुरू शुरू में जब एक्साइटमेंट बढ़ा था और वो यूज ही नहीं कर पाए उस पैसे को, राइट? उन्होंने जाके बैंक में डाल दिया, तो कोई फायदा नहीं है, इन्वेस्टर का पैसा भी वेस्ट और आपका भी टाइम वेस्ट। यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज दैट फंड प्रॉपरली। अगर आप 25 लाख रुपया 1 महीने में इस्तेमाल कर पाओगे तो 50 लाख अगले महीने हमसे आप फिर ले लो। This is the assurance that we can make. But अगर आप नहीं कर पाओगे और पैसे को इकट्ठा करके next round of funding चाह रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। There is a runway that has to be calculated. Right? अगर आपने 3 महीने का runway बनाया है या 4 महीने का बनाया है 25 लाख को use करने के लिए तो आप आधे पे आ जाओ, 50% of your runway, 2 महीने का time आपके पास है तब आप आ जाओ, तो अगले 1 महीने में फिर से 50 लाख रुपए आ जाएगा। And that's how every startup raise fund. सबका यही तरीका है। किसी को भी 2 करोड़ चाहिए तो पहली बार में 2 करोड़ नहीं मिलते हैं, और हम लोग ये 3 तरह से पूरा कराते हैं। कुछ पहला हमारे खुद के इन्वेस्टर्स जो मेंबर्स हैं, सेकंड इज वी हैव को इन्वेस्टर्स लाइक हेम सिक्योरिटीज, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं जो हमारे साथ बोलती है कि आपके आपने 1 करोड़ इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ हम सेकंड इन्वेस्टर बनेंगे, फर्स्ट नहीं, तो 1 करोड़ वो अपने इन्वेस्टर से लगवा देते हैं। थर्ड है सिंडिकेशन थ्रू अदर एंजल नेटवर्क, लीड एंजल, एंजल्स, इनको साथ मिला के हम आपके बाकी पैसे को रेज कर सकते हैं। तो एंजल राउंड में इस तरह से वी कैन रेज अप टू $500,000, यानी 25 लाख से लेके 3.5 करोड़ तक हम आपके लिए रेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर वीसी से रेज होता है, तो उसका एक सेटअप होता है, फंडिंग पैकेज होता है पूरा, 50,000 और 1 लाख रुपए अपफ्रंट फीस जाती है। वीसीज हम किसी को भी ऑफर नहीं करते जब तक कि उसने पहला राउंड रेज ना कराओ एंजल, राइट? सो दैट्स अबाउट इट। और कोई फॉलो अप आपका क्वेश्चन है? हाँ, फॉलो अप क्वेश्चन मेरा ये था कि जो वैल्यूएशन का मैंने पूछा कि वैल्यूएशन की वर्दीनेस, मैं बैंक्स या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रहा, लाइक नहीं मैं उनके पॉइंट ऑफ वो वाली हम आपको करा के दे देंगे, वो 2-3 हजार में हो जाती है, जो बैंक और इन सब में चलती है ना, वो आपकी 2-3 हजार रुपए में हो जाती है। और जो आपको गवर्नमेंट पर्पस कंप्लायंसेस के लिए चाहिए होगी, यू नो, शेयर अलॉट करने हैं, आपने एक्विजिशन करा कर दिया कंपनी ने, उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की चाहिए होगी, वो बहुत महंगी होती है। या अगर कोई मर्चेंट बैंकर की वैल्यूएशन मांगता है तो 75,000 से 1 लाख रुपए कम से कम फीस है उसकी, राइट? वो बहुत महंगी वैल्यूएशन होती है, और वो वैल्यूएशन सिर्फ कंप्लायंस पर्पस के लिए ही लगती है। नहीं, नहीं, मैं उस वैल्यूएशन के लिए एग्जैक्टली नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके नेटवर्क के अलावा मैं जैसे और किसी एंजल नेटवर्क या किसी के पास जाता हूँ तो क्या वो उस वैल्यूएशन को उतनी ही वर्थ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं, बिकॉज यू नो इंटरनली ये इंडिया में तो सब कनेक्टेड हैं, सो वी वैल्यू ईच अदर, राइट? बट आई एम नॉट श्योर कि भाई अगर आपको कोई उसको ऑब्जेक्ट करता है तो वो कर भी सकता है, दिस इज प्रोप्राइटरी, राइट? सो और ऐसा भी होता है कि बिना वैल्यूएशन के भी फंडिंग हो जाती है, ऐसा भी हो जाता है। दिस वैल्यूएशन इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा नहीं है कि भाई
इसके बिना होता नहीं है, बट वी हैव क्रिएटेड आवर प्रोसेस कि हम ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ ही आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टर्स के पास, राइट? एंड जनरली बाकी सारे एंजल नेटवर्क, बिकॉज इंटरनली वी आर कनेक्टेड टू एवरीबडी, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं. हाँ, आप अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली से रेज कर रहे हैं तो आपसे कोई वैल्यूएशन नहीं मांगता है जनरली, वो आपको अपने अंदाजे से चलते हैं, राइट? और वंस पहला राउंड ऑफ फंडिंग हो गया, उसके बाद आपको दोबारा इतना इतनी वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है. लास्ट राउंड ऑफ फंडिंग विल डिफाइन योर शेयर वैल्यू, राइट? तो नेक्स्ट राउंड करेंगे तो फिर शायद चाहिए होगी, अगर आपने प्रोग्रेस करी है. टिल द टाइम आपने एक बार रेज कर लिया और उसी राउंड को आप चला रहे हो, तो फिर दोबारा वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज वही रहेगी आपकी वैल्यूएशन सेम राउंड में. ठीक है, ठीक. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आप पर्सनली खुद भी या एज अ स्टार्टअप लीन कंपनी भी इन्वेस्ट करते हैं? मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, बट एज अ स्टार्टअप लेंस नहीं कर सकते हम, क्योंकि कुछ रेगुलेशंस और बहुत सारी चीजें हैं जो अलाउ नहीं करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है. बट हमने कुछ मैंने अपनी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी करी हुई हैं, 2015 से ही शुरू कर दिया था. आप यूट्यूब पे जाएंगे तो शायद आपको कुछ लाइव वीडियोज भी मिल जाएंगे. CNBC यंग टर्क्स एक शो आता है, सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शो. 2015 का 16 का आपको शायद मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो यू कैन सी दैट. आप शायद आपको नॉलेज भी मिलेगी वहां से. 2000 यू नो लाइव पिचिंग इवेंट्स. यूजुअली आपका क्या टिकट साइज रहता है इन्वेस्टमेंट का? देखिए, ये मेरा टिकट साइज तो अभी तो बहुत यू नो लिमिटेड हो गया है, बट इनिशियली आई यूज्ड टू इन्वेस्ट अराउंड 25-20 lakhs, राइट? सो दैट टाइम आई केम, माय बैकग्राउंड इज रियल एस्टेट, सो आई, आपने सुना होगा नोएडा एक्सटेंशन में प्रोजेक्ट है लंडन मार्ट के नाम से, 750 करोड़ का आउटले है उसका. सो दैट वॉज माई प्रोजेक्ट, आई वॉज वन ऑफ द पार्टनर्स देयर. फिर मैंने वो छोड़ के ये स्टार्टअप लेन स्टार्ट कर लिया 2016 में, 16 जनवरी 2016, यू नो ऑफिशियली वी स्टार्टेड. सो 2015 आई वॉज इन्वेस्टिंग गुड टिकट साइज एंड ऑल, 16-17 थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, एंड अभी आके तो वी आर फोकसिंग, आउट फोकस हो गया है थोड़ा सा, बट आई एम देयर एट ऑल द फॉर्मेट्स. आई एम वन ऑफ द फॉर्चुनेट मेंबर्स ऑफ एंजल लिस्ट एज वेल. आई हैव माई सिंडिकेट, यू कैन गो टू एंजल लिस्ट, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा मेरे बैकर्स वगैरह सारे. सो दैट इज समथिंग यू नो आई डू इन पर्सनल कैपेसिटी, बट दैट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद स्टार्टअप लेन्स. वो मुझे कुछ ऑफर, ऐसे तो मैंने स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे स्टॉक्स खरीदे हैं, सो यू नो नेसेसरली आई वुड लाइक टू यू नो कीप इट कैंडिड, बट येस आई हैव, इफ यू वॉन्ट अ डिस्क्लोजर, आई हैव सेवरल इन्वेस्टमेंट्स, सम करोड्स ऑफ इन्वेस्टेड इन टू स्टॉक मार्केट एंड स्टार्टअप डायरेक्टली.